दोस्तों, अब दिल्ली में टैलेंट की कमी नहीं है और ये साबित कर दिया हमारी 17 साल की सिमर ने। और उनके स्पेशल डे यानी आज उनका बुक लॉन्च हुआ है, तो उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि आज उन्हें कैसा लग रहा है, वो किस चीज़ को लेके सबसे एक्साइटेड है, नर्वस है, कैसा फील कर रही है। मैं बहुत ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ। आई थिंक सबसे ज़्यादा नर्वस मैं इस बात से हूँ क्योंकि जावेद अख्तर भी आ रहे हैं और हम लोग सेम स्टेज पे होंगे, सो दैट्स लाइक द ग्रेटेस्ट ऑनर। बट आई डू नॉट वॉन्ट टू मेस अप, मैं नहीं चाहती मैं वहाँ पर जाके फंबल करूँ। लेट्स सी कैसे होता है। एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट साइनिंग बुक्स बिकॉज आई हैव ऑलवेज, मतलब जब भी मैं ऑथर से मिलती तो आई गेट माई बुक साइंड एंड आई थिंक इट्स रियली कूल फॉर देम टू बी साइनिंग देयर बुक्स फॉर अदर पीपल। मुझे लगता है कि दैट इज गोइंग टू बी समथिंग विच विल बी कूल, आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। क्या बात है सिमर, यू आर जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड और आपने एक बुक लिखी, तो फ्लैशबैक में जाइए और बताइए कैसे शुरुआत हुई इस बुक की लिखने। ये बुक की तरह स्टार्ट नहीं हुई थी, ये बुक बनेगी ये बहुत एंड में डिसाइड हुआ था। मैं हमेशा से डायरी लिखती थी और इन द प्रोसेस मुझे लगा लेट मी वीव अ स्टोरी अराउंड द स्टफ दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन द वर्ल्ड एंड स्टफ लाइक दैट। एंड फिर इवेंचुअली एक कंक्लूजन आने लगा और मुझे लगा कि अगर ये ख़त्म हो ही रही है तो व्हाई नॉट ट्राई एंड गेट इट पब्लिश्ड एंड सी इफ पीपल एक्चुअली मेक सेंस ऑफ व्हाट आई हैव रिटन। आई होप दे डू। या जैसे कि आपने अभी लोगों की बात करी, तो इस बुक में काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पहचाना चाहती है, एक बदलाव लाना चाहती है, तो आपको कितनी उम्मीदें हैं कि इस बुक से वो बदलाव आएंगे। अगर आई डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन द पीपल, अगर उन्हें वो छू जाती हैं, इफ़ इट एक्चुअली टचेज देम, देन होपफुली दे रियलाइज दैट व्हाट वी यूजुअली डू इज नॉट द बेस्ट थिंग टू डू। And yeah, it all depends on the people actually. I've given them what I think and otherwise it depends on their opinion. If they agree with me then maybe they'll also, you know, try and make the difference that I want to see. So, Simar, ye sab cheezon ka credit aap personally kisko dena chahengi? Ye sab ka credit main khud to nahi le sakti. Bahut sare log hain jinne mujhe help kara hai. My school, Step by Step International Jaipur, has given me the support that I never thought I could get. My management has been super supportive. My teachers have been really kind to me. I have a cousin, sister, Swati Gigi, and without her this could not have been possible at all. Because writing ek cheez hoti hai, lekin puri khatam karna bahut difficult hoti hai, aur agar wo nahi hoti to ye bilkul bhi nahi hota. And of course Rupa, who actually thought that this was worth publishing, because Rupa is huge. And of course my parents, wo log bahut zyada supportive the, unne mere ko har padhav pe meri help kari, aur jab bhi main stuck hoti thi to they used to, you know, just tell me to hang in there a little bit longer. So yeah, सिमर, बहुत सारे यू नो आपसे छोटी उम्र के लोग भी होते हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो कहीं ना कहीं यू नो किसी ना किसी दब जाते हैं, तो आप उनको कुछ बोलना चाहेंगी आज? मैं क्या बोलना चाहूँगी, मेरे को किसी ने एक बार कहा था दैट देयर कैन बी ईदर यू कैन राइट और यू कांट राइट, देयर इज नथिंग इन द मिडल। आई थिंक व्हाट दैट पर्सन सेड वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। You can practice to make yourself better. And as far as I go and Rupa goes, how I got such a platform, I think I'm just very lucky. So pray and keep your fingers crossed always. Thank you. हमसे बात करने के लिए सिर्फ। Yeah. Thank you so much. Camera person Ashok के साथ Rupa News Point.